तो कार्तिक कई बार हिप हॉप या ड्रिल बनाते हुए क्या दिक्कत हो रही है कि हमारा 808 का सैंपल है वो बहुत शॉर्ट है, तो भाई उसमें ग्लाइड व्लाइड तो लग नहीं रहा। तो भाई ये बहुत लोगों की दिक्कत है कि हमारे साथ भी बहुत बार होता है कि 808 होती है बहुत छोटी और हम चाहते हैं कि वहाँ पे ग्लाइड भी हो, बट जैसे हम ग्लाइड करने लगते हैं तब तक वो नोट ही खत्म हो जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, हम ये सीखेंगे कि 808 को तुम इतना लंबा इनफाइनाइट कैसे लूप में कर सकते हो कि वो प्ले ही होता रहे और तुम आराम से ग्लाइड या कुछ भी करना चाहते हो और स्पेशली ड्रिल में वो कैसे कर सकते हैं। तो आज हमारे पास ये एग्जांपल है और तुम ये देखोगे यहाँ पे किक है और ये 808 यहाँ तक खत्म भी हो गई। तो अगर मैं चाह के भी यहाँ पे इसमें ग्लाइड करना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ग्लाइड कर ही नहीं सकता क्योंकि नोट खत्म हो चुका है यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे हम यहाँ पे और इस पर हम क्लिक करेंगे सैम्पलर के अंदर और इसको कर देंगे ऑडियो एडिटर के अंदर। तो इससे क्या होगा, ये आपका एडिशन टूल के अंदर आ जाएगा और एडिशन के अंदर हमें सबसे पहली चीज पे ध्यान देना है, पहले जूम इन करो स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग में चलते हैं थोड़ा सा। जैसे उत्कर्ष कह रहा है यहाँ पे कहीं पे हम इसको लूप कर देते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जब भी आप लूप कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहा है तो ये एंड अपनी साइकिल पे होना चाहिए, यानी कि अगर मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट से, लेट से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, तो ये खत्म होना चाहिए एंड पे। तो मतलब एक पूरी साइकिल बनी तो खत्म होती है क्रस्ट से और फिर उसकी ट्रफ पे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर अपने यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पे एंड हो रही है। तो अगर हम स्नैप टू जीरो क्रॉसिंग ऑन कर देंगे तो बेसिकली ये जो इसकी साइकिल जो स्टार्ट हो रही है उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आराम से खुद ही पकड़ लेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रीजन पे और यहाँ पे हम लगा देंगे सेट लूप। तो इससे क्या होगा, ये लूप कर देगा इस पर्टिकुलर पार्ट को। तो अब इसके बाद हम इसको करते हैं छोटा और हम करते हैं कंट्रोल ए, इससे हमने पूरा कॉपी कर लिया और इसके बाद हम यहाँ से इसको उठाएंगे और ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो अब क्या करना है, बेसिकली हम इसको कॉपी करते हैं, इस पूरे सीन को हमने कॉपी करा कंट्रोल सी एंड यहाँ पे करा कंट्रोल वी, इसको हम करते हैं बंद। तो अब जल्दी से देखते हैं कि क्या बना हमारा ये पूरा का पूरा। ये तो वैसे ब्यूरो बेस सा बन गया। तो अब जैसे कि हम वापस से उत्कर्ष बता रहे हैं कि उधर क्या हो रहा है, तो उधर एक बार चेक करते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, और वो वहीं तक ही सीमित रह जाती है एंडलेसली। देखो कोई भी साउंड को अगर हम इसके आगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे लूप करते हैं, इसको लंबा कर देते हैं एकदम, इसको जितना लंबा करते हैं, तो इसको आप कितना भी लंबा कर लो ये प्ले ही होता रहेगा इनफाइनाइट उस लूप में। कल भी आएंगे तो भी ऐसे चल ही रहा होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे आओगे और वो आपके इस लूप में यहाँ पे वहीं पे अटक जाती है एंड तक, और जैसे ही आप उसको रोकोगे स्पेस बार से रुक जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो वी होप आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी, और बढ़िया लगी तो भाई क्या करना होता है, तो जैसी ये आपकी ग्लाइड होगी ना, तो वहाँ पे लाल बटन आएगा, लाल बटन खुद ही अपीयर हो जाएगा, दो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए उसके लिए कमेंट सेक्शन पे जाके भर दो कि भाई क्या चाहिए, और अगर तुम हमसे पढ़ना चाहते हो या फिर हमसे मिक्सिंग मास्टरिंग कराना चाहते हो तो वही वेबसाइट आ रही है बेसीला, जाके देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।